भाजपा पार्टी की विदाई के दिनों की शुरुआत हो गई है और चुनाव की घोषणा हो गई है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पिंजौर व्हाइट हाउस में लंच के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। यहाँ पर व्हाइट हाउस में पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा, व्हाइट हाउस के डायरेक्टर अंकुश शर्मा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष महासचिव मनवीर कौर गिल सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्तागण मौजूद हुए, जिन्होंने व्हाइट हाउस में लंच किया। यहाँ सभी के लिए दोपहर के खाने का बढ़िया इंतजाम किया गया था। भाजपा सरकार की विदाई उसका एक तरीके से आखिरी दिन है आज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े पूंजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और देश को लूट लो और नरेंद्र मोदी योजना के तहत छूट लो, और आज उस छूट का भी अंतिम दिन है। उन्होंने बीजेपी पर लूट और झूठ की राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जैसे तीन राज्यों में कांग्रेस आई है, उसी तरह पूरे देश में बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी ने पिछले 5 साल के अंदर बड़े बड़े महापूंजीपतियों को संरक्षण देने का काम किया और एक नारा दिया, देश को लूट लो और नरेंद्र मोदी योजना के तहत छूट लो। तो आज उस छूट का भी आखिरी दिन है। जिस तरीके से लूट झूठ की राजनीति चलती रही, तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे पीछे 3 राज्यों में कांग्रेस को राहुल जी के नेतृत्व में सफलता मिली, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में भी हरियाणा से लेकर के पूरे देश में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में भी पूरे 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी पार्टी की लूट और छूट से प्रदेश मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी के पास आज उम्मीदवार नहीं है। पार्टी उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ने को कहेगी, चुनाव लड़ा जाएगा। 10 के 10 लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीत करके किसान, मजदूर, गरीब का, जिसमें छोटा व्यापारी भी महफूज होगा, नौजवान को भी रोजगार मिलेगा, माताएं बहनें भी सुरक्षित होंगी, हमारा भाईचारा बचा रहेगा, जाति और धर्म की राजनीति का अंत होगा, एक ऐसे युग की शुरुआत होगी। कैंडिडेट की प्रक्रिया मोटे तौर पर शुरू हो चुकी है, उनसे विचार विमर्श शुरू हो चुका है, जो लड़ना चाहते हैं उनकी तैयारी क्या है, उनकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है और दूसरी तरफ कांग्रेस में उम्मीदवारों की पूरी झड़ी लगी हुई है। पार्टी ये महसूस करती है कि मुझे या किसी भी XYZ को लड़ाना है तो वो लड़ेगा और सबको उसमें मदद करनी चाहिए और मदद करनी पड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, छोटे छोटे मतभेद हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। कालका और पिंजौर में सी ग्रेड की नगर पालिका में बाद में बने नगर निगम में ए ग्रेड के तहत भेजे जा रहे हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है और इन दोनों शहरों को मिलाकर अलग से काम किया जाएगा, क्योंकि पंचकूला और कालका पिंजौर में काफी फर्क है। वैसे तो कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे मतभेद है तो बिठा करके ठीक किए जाए। जो लोग शुद्ध रूप से राजनीति में नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्य के माध्यम से उन्होंने एक पहल करी और 10,000 से ज़्यादा उनके पास आज सिग्नेचर इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं, और इस तरीके का ये एक तरीके से इस सरकार का गोरख धंधा ही हम कह सकते हैं। जैसे GST के माध्यम से पूरे व्यापार को ठप किया, ऐसे ही इस तरीके के कारनामे करके मैं समझता हूँ कि प्रदेश को और जो साधारण मध्यम और गरीब परिवार है कालका के, उनके ऊपर भी प्रहार करने की ये सरकार ने कोशिश करी है और हमने इनको कहा भी, हमारा पूरा समर्थन है और जब भी इनको जरूरत होगी इनके साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अगली सरकार जो कांग्रेस की सरकार होगी हम इसको पंचकुला से अलग करके इसकी अलग एक नीति बनेगी। कालका से लेकर कलेसर तक पूरे एरिया में हरियाणा सरकार की मिलीभगत से अवैध माइनिंग चल रही है, जो कि पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला है। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि इस पर भी जांच की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरियों में भी काफी बड़े घोटाले हुए हैं। खनन घोटाले का मामला है,
जिसके अंदर यमुना से लेकर के और नीचे ऊपर कलेसर से लेकर के और पलवल तक 6 जिलों के अंदर 250-300 किलोमीटर में पूरी अवैध माइनिंग है, पत्थर भी रेते की। और किसकी ये माइनिंग चल रही है, किसके इशारे पे चल रही है, मुख्यमंत्री जी को तो पता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि मैं वो करूंगा, लेकिन क्या करें, उन्हीं के जो चेले हैं वही इसमें लिप्त है, तो क्या मुख्यमंत्री भी क्या कर सकता है। सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद वो इसमें लिप्त है। तो एक तो सबसे बड़ा घोटाला ये है, इतने घोटाले हैं इनके जो मैं समझता हूँ कि जब निकालेंगे तो सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। और नौकरियों की ये बात कर रहे हैं, ये रिजर्व सीटों के ऊपर जनरल के लोग लगा रहे हैं।